मानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। एक तरफ जहां देश में कुंभ का मेला चल रहा है, वहीं पूरे भारत देश में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा भी काफ़ी गर्म चल रहा है। इसी सिलसिले में शांतिदूत विश्व गुरु महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री स्वामी महेश्वरानंद पुरी महाराज सोमवार को सुजानगढ़ पधारे। उन्होंने अपने देशी विदेशी शिष्यों के साथ भोजलाईबास स्थित श्री श्याम बाबा मंदिर के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लिया। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान महामंडलेश्वर श्री महेश्वरानंद पुरी महाराज ने कहा कि राम मंदिर पूरे देश का मुद्दा है, हिंदू शक्ति का मुद्दा है। पूरे हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण हो। श्री महेश्वरानंद पुरी महाराज ने राम मंदिर निर्माण में आ रही अनेक बाधाओं को गिनाया और कहा कि राजनीति राम मंदिर निर्माण में एक बहुत बड़ी बाधा है। आप ही देखिए, महामंडलेश्वर श्री महेश्वरानंद पुरी महाराज ने कौन कौन से कारण गिनाए जो राम मंदिर निर्माण में बाधा के तौर पर काम कर रहे हैं। और बने रहिए प्रेरणा के लिए सुजानगढ़ सूचना के साथ। संत समाज क्या सारे भारत को अंदर हिंदू शक्ति जो है, हिंदुओं के कारण ही राम जी का मंदिर नहीं बन रहा है। अगर सारे हिंदुस्तान के अंदर हर एक हिंदू, चाहे किसी प्रांत के हो, राजनीति को छोड़ करके हमारे को हिंदुओं को एक हो जाओगे तो भगवान राम का मंदिर बन ही जाएगा। लेकिन आप लोग ही इधर उधर एक पार्टी से दूसरी पार्टी करके हमारे हिंदुस्तान के धर्म को इन लोगों ने क्या ऐसा कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आप राजनीति को राम मंदिर निर्माण में बाधा समझते हैं? राजनीति के कारण ही रुका हुआ है। और दूसरा जो है, अब देखिए जो हमारे संविधान के अनुसार जो हमारे सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहे, उसी पर हम, उसके आधार पर हम ही यही है। या फिर पूरा एक एक बच्चा, एक एक महिला और पुरुष हिंदू जो है हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो जैन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे कोई जो हिंदू है। केंद्र में भी यूपी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, मोदी सरकार है, योगी सरकार है अपने उत्तर प्रदेश में, फिर भी आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों नहीं है? देखिए कि योगी सरकार जो है वो बहुत कर रहे हैं, लेकिन वो केवल यूपी पे आधार पर नहीं है, ये तो पूरे हिंदुस्तान पर है, पूरे हिंदुस्तान पर। तभी ही हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा।